बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है इस टाइम, बट ये कि मुझे ईद का ब्लॉग अपडेट करना था क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है और मैं सोच रही थी कि ईद के तीनों दिन के अंदर ही ना ब्लॉग को अपडेट कर दूँ, बट टाइम ही नहीं मिला। लास्ट डे लाइक दूसरा दिन और तीसरा दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वाले काम को भी मिटाया जाए। तो खैर, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जी सुबह सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने। एक तो रात बहुत लेट सोए थे और ऊपर से सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठ गए थे, रूटीन भी थोड़ी मैसअप हुई हुई थी, बट मैंने कहा कि बच्चों को तो मस्जिद ज़रूर लेके जाना है ताकि बच्चों को थोड़ा सा पता चले अपने ट्रेडिशन का। तो खैर, यहाँ पर हम लोग जब आए तो काफ़ी ज़्यादा रश था और अर्ली मॉर्निंग ही आए थे। मेरा ख्याल है तकरीबन 7:30 बजे हम लोग आए थे और 7:45 बजे जो है ना जमात खड़ी होनी थी। तो खैर, जैसे हम लोग आए यहाँ पे काफ़ी रश था और अभी ये रिसेंटली ही मॉस्क जो है ना रेनोवेट हुई है, कंस्ट्रक्ट हुई हुई थी बट ये रेनोवेट अभी हुई है। तो सबको देख के बहुत अच्छा लगा, लोगों ने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए थे और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए इतने जोश और जज्बे से आए हुए थे ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी और बहुत अच्छा लगा। तो खैर, मैं यहाँ पे दिखाई थी कि आपको सुबह सुबह मुझे चोट लग गई मेरे पाँव पे और बस खैर, ये भी होता है, लाइफ का पार्ट है। तो लग्जमबर्ग में जितनी भी रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, मेरी भरपूर कोशिश होती है कि बच्चों को लेके जाएं। ऑल्दो बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ता है क्योंकि बच्चे एक जगह टिक के नहीं बैठे होते और बहुत से लोग अवॉइड भी करते हैं कि बच्चों ने तो हमें कुछ सुनने ही नहीं देना और ना कुछ पढ़ने देना है, तो बच्चों को ऐसा करते लेके ही नहीं जाते। तो इस सूरत हाल में जो है वो खुद भी नहीं जा पाते, बट आई थिंक आपको बच्चों को ज़रूर लेके जाना चाहिए। बच्चों को थोड़ा पता होना चाहिए, उनके यू नो जो बैक ऑफ द माइंड, उनके एक मेमोरी में ये चीज़ बैठ जाती है कि हम लोग मस्जिद गए थे। अच्छा, यहाँ की एक ज़बरदस्त बात ये है, डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट कल्चर से जो है ना वो लोग यहाँ पे आए होते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने फुल ऑन फैंसी सूट पहना हुआ है, मेरा पिंक पर्पल सा सूट था और मेरी यही कोशिश थी कि मैंने तो इसको ज़रूर पहनना है, नहीं ये तो बार बार हो गया। तो मेरा ईद का ड्रेस काफ़ी फैंसी था और मुझे पर्सनली ईद के मौके पे ना थोड़ा फैंसी वाइब्रेंट कलर्स और यू नो ग्लिटरी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक डिफरेंट ही वाइब क्रिएट होती है और आपका मूड एकदम से लिफ्ट अप हो जाता है। तो मैं सुबह सुबह अच्छा सा रेडी होकर चली गई थी और इसके बाद ये कि जब हम लोग घर वापस आए तो हम लोग को एक ईद इवेंट पर जाना था, ईद मिलन पार्टी थी बेसिकली। तो सब ने वन डिश पार्टी की थी और सबको एक एक डिश बना के लेके जानी थी। तो खैर, हम लोगों ने कुछ कपकेक्स बनाए थे, वो हम लोग लेके गए थे मीठे के तौर पे, और एक आलमंड केक बनाया था वो लेके गए थे, और साथ में मैंने चिकन कढ़ाई जो थी बनाई थी वो हम लोग लेके गए थे। तो आलमंड केक और जो कपकेक्स थे, हम लोगों का बैटर मैंने एक दिन पहले चांद रात पे बनाया था तो वो काफ़ी बचा हुआ था, तो हम लोगों ने वही बना के ना एक स्वीट जेस्चर के तौर पे लेके गए थे। तो इस तरह ये केक अच्छा भी लगता है आपको और आप ख़ुद भी यू नो मेरे जहन में यही था कि बच्चे जो है ना वो खा लेंगे क्योंकि बच्चों को कढ़ाइयों से बिरयानी से उनको तो बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं होते, बट ये एक स्वीट्स देख के ना और थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के खूबसूरत से अच्छी सी ऊपर ड्रेसिंग हुई हो, कलरफुल सी चीज़ें ना उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने यही सोचा कि बच्चों के लिए ना यही लेके जाया जाए। तो यहाँ पे फुल ऑन तैयार होके बच्चों को भी अच्छे तरीके से रेडी करके उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी, ऊपर वेस्ट कोट पहनी थी और मेरा पिंक कलर का ड्रेस था, और ये सारे जो है ना फ्लावर्स मुझे इतने अट्रैक्ट कर रहे थे। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंगली जो है ना ये एक मैचिंग हो रही है फ्लावर्स से की, और मेरी तो मैंने तो इसके आगे एक पिक्चर लेनी है। तो एनीवेज जी, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और खूब गहमा गहमी थी। अच्छा, हम लोग थोड़ा अर्ली गए थे क्योंकि मुझे थोड़ा व्लॉग शूट करना था और कुछ पिक्चर्स भी लेनी थी, सुबह से पिक्चर्स भी नहीं ली थी। घर आए थे नमाज़ पढ़ के और बच्चों को लिटा दिया था, थोड़ी देर नाश्ता वगैरह बनाया और फिर ये 1:30 बजे के करीब जो है ना हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो खैर, देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा जो है ना गहमा गहमी हो गई और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो पार्क करके आए गाड़ी को और हम लोग पहले ही उतर गए थे। तो आप ये देख सकते हैं फुल ऑन चिल माहौल, अच्छा माहौल है, फुल देसी लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, खुशियों वाला समा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और बड़ी अच्छी डेकोरेशन भी की हुई थी, ऑल्दो बच्चों ने तबाह कर दी थी बाद में डेकोरेशन सारी, बट स्टिल ये कि काफ़ी लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ले ली थी इस टाइम। और उसके बाद बस जी खाने जो वन डिश थी वो सब ने असेंबल की प्रॉपर तरीके से रखी और गर्मा गर्म हर बंदा बना के लेके आया हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद ये कि बस खाना खाया और
गप्पे लड़ाई और इसी तरह हम लोगों की यहाँ पे गुजर गई। अल्लाह का शुक्र अच्छी गुजर गई, मतलब बिजी बिजी थी और ये वाला सीन नहीं था कि भाई घर में बैठे हुए हैं बोर हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग के दो फ्रेंड्स जो यहाँ पे रहते हैं थोड़े क्लोज जो हैं, एक गए हुए थे आउट ऑफ कंट्री और दूसरे जो थे उनको कोई काम था, तो इस वजह से उन्होंने ये ज्वाइन नहीं कर पाए। बट जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए थे ऑब्वियसली सब एक दूसरे को जानते थे, बड़ा मजा आया। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, कहाँ कहाँ गए आप लोग और किस तरह के कलर्स आप लोगों ने पहने, ईदी आप लोगों की कितनी इकट्ठी हुई, वो सब मुझे कमेंट्स में बताएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट जिन्होंने सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोज़ को लाइक किया, थैंक यू। तो काफ़ी वाइड वैरायटी थी, मतलब लाइक पास्ता की डिशेस थी, कोरमा था, मटन का सालन था, चिकन कढ़ाई, बिरयानी थी, रोस्ट थे, सैलड्स, रायता वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ बहुत मज़े की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो लक्समबर्ग में यूरोप में इसी तरह यहाँ पे ईद जो है वो सेलिब्रेट होती है, और हम लोगों ने भी ईद को इसी तरह ही इंजॉय किया अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बच्चे बहुत क्रैंकी हो रहे थे क्योंकि वो सुबह के उठे हुए थे और उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई हुई थी और हम लोग भी बहुत थक गए थे, पता नहीं लाइक ओवरवेल्म थे हम लोग या शायद रमज़ान की थकावट होती है, पता नहीं क्या चीज़ होती है, बट ये कि चांद रात पे भी दिन जो है ना सॉरी नींद पूरी नहीं हुई और चांद रात वाले दिन भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक ऑर्डर है जो मुझे डिलीवर करना था, 4 से 5 डिशेस मैंने बनाई थी और फिर ईद के कपड़े इस्त्री करना, बच्चों को देखना, घर की सफाई एंड ऑल दैट, किचन के छोटे छोटे काम, लाइक बहुत हैपनिंग वाला डे था और आई वॉज सुपर 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 टायर्ड। तो मैंने ये सोचा और कि हम लोग को घर में ना जल्दी जाना चाहिए। हम लोग 5 बजे के करीब आए थे, बच्चों को थोड़ी देर के लिए नैप देने के लिए सुला दिया था, नैप उन्होंने लिया और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड किचन में आ गए थे और हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को ना वो ब्राउनी बनानी है क्योंकि मीठा तो बनता ही है ना इसी तरह मीठी ईद है, क्योंकि जो कपकेक्स बनाए थे और आलमंड केक बनाया था वो हम लोग ले गए थे उस ईद मिलन पार्टी में और वो बच्चों ने फटाफट चटपटा चट चट करके खा लिए और यहाँ पे कोई मीठा बना ही नहीं हुआ था घर में और इस टाइम बहुत क्रेविंग भी हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मौजूद थी घर पर ही, तो सोचा जी चलो जी ब्राउनी बनाई जाए और चाय के साथ इसको इंजॉय किया जाए। अच्छा, इसकी जो डिटेल रेसिपी है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी क्योंकि मैंने एक चैनल से देखी थी और उसी को मैंने फॉलो की थी, तो वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, अगर आप बनाना चाहें और देखना चाहें तो आप वहाँ से सारी रेसिपी को कॉपी कर सकते हैं। और मैं साथ साथ अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि मैंने अब कुछ खाने में रात में बनाया नहीं है, तो सुबह ही वैसे मैंने उनको ये कह दिया था लेकिन फिर भी उनको एक यहाँ पर भी रिमाइंड करवा रही थी कि मैंने कुछ नहीं बनाया। तो मैंने आपसे जिस तरह कहा था कि ईद इवेंट पर ना आपने 2 टाइम का खाना खा के आना है, एक दोपहर का और एक रात का, तो क्या आपने उस तरह खाया, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि बच्चों ने तो मुझे कुछ खाने ही नहीं दिया और मतलब मैंने प्रॉपरली ठीक तरह से खाया नहीं। अच्छा, यही यहाँ पे ये वाला सीन बहुत होता है, यहाँ तो जब मैंने खाना होता है तो हस्बैंड जो है वो बच्चों को देखते हैं, या फिर जब हस्बैंड ने खाना होता है तो मैं बच्चों को देखती हूँ, या फिर जब हम दोनों ने खाना होता है तो हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि क्या किया जाए क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाने दे रहे होते। और सिंस ईद का डे था तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, छोटी छोटी जो चीज़ें बनी थी वो चांद रात पे ही बनी थी, तो यही सोचा कि चलो जी बच्चों को भी वहाँ से बाहर खिलाया जाए और आज के दिन जो है ना वो छुट्टी इंजॉय की जाए क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी। तो अच्छा, इतनी थकावट थी कि हम लोग बाहर भी नहीं गए कुछ खाना खाने के लिए, मतलब लाइक ये वाला सीन हो रहा था, अब थक के चूर होके बैठ गए थे बस यहाँ पे जी। अब चाय बन चुकी थी और ये हमारी मज़े की गर्मा गर्म कूजी सॉफ्ट फुल ऑन यू नो सॉफ्टनेस वाली और गुई से टेक्सचर आप इसका देखिए इतनी मज़े की थी और ऊपर देखिए कितने प्यारे से फ्लेक्स बने हुए और कलर इसका बहुत ही अपीलिंग आया था। खाना नहीं मतलब बना था रात में तो बस इसी को जो है ना इंजॉय किया खाया। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।